आदमी से पॉसिबल गया पास शुरू में थोड़ा क्लोज लुक ऑन दिस ब्यूटीफुल स्कल्पचर। तो 2023 में आके ये वो पर हुई कि ये मैन फैशन ओरिएंटेड का जो नया होता नहीं, इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आया है, मतलब इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक कॉन्फिडेंस वर्धमान शुरू में आके उन्होंने पूरा ट्रिप को मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने की परमिशन देने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्फिडेंस वर्धमान का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कर दूंगा। अगर आप वर्धमान की ट्रिप रिसीव हो तो बीजेट आप कॉल कीजिए, अकाउंट में बुक करके सीधे शोरूम में पहुँच के अपने फेवरेट या अपना जो प्रोडक्ट से नज़दीक से देखें। सो here it is, the beautiful looking Fascino scooter from Yamaha. So basically ये जो scooter है ये retro looks वाला एक scooter है, पर नाम से ये retro है क्योंकि Yamaha जो जो features इसमें दिया है उसके हिसाब से ये एक बहुत ही modern machine है, मतलब एक retro looking scooter with lots of modern technology. तो इस scooter का अगर फॉर्म से देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिलेगा, एक थोड़ा सा ट्रायंगल शेप, एक ब्यूटीफुल लुकिंग एलईडी डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पे, ऊपर पियानो ब्लैक का फिनिश है। अगर नीचे देखा जाए तो दो कलर का इस्तेमाल किया है, बेसिकली तीन कलर का इस्तेमाल किया गया है, एक है मैट ग्रे, यहाँ पे है मैट ब्लू और यहाँ पे है पियानो ब्लैक। तो इन तीनों कलर मिला के इस स्कूटर का जो ओवरऑल लुक्स दे रहा है बहुत ही प्रीमियम एक लुक्स उभर के आ रहा है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एक ब्यूटीफुल टर्निंग इंडिकेटर इसका लुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, पर ये हैलोजन बल्ब का है। अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस स्कूटर का जो फ्रंट का जो टायर है वो 90x90 सेक्शन का 12 इंच का एक टायर है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, दोनों वेरियंट में ये बाइक आता है, डिस्क और ड्रम। तो ये जो डिस्क ब्रेक है इसका डायमीटर है 190 मिलीमीटर। अगर रियर से स्कूटर को देखा जाए तो रियर से भी ये स्कूटर बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक यू शेप टेल लैंप है जो ब्यूटीफुली डिजाइन है, जो रियर से जो इस स्कूटर का जो लुक्स है उसको बहुत ही प्रीमियम फील देता है। उसके साथ एक बड़ा सा ग्रैब रेल है, ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये थोड़ा सा एलॉय फिनिश वाला कुछ है मटेरियल। तो इसका जो लुक्स है ये ओवरऑल डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छा जच रहा है, और पिलियन में जो बैठेगा उसके लिए भी इसको पकड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और रियर में आपको 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, 110x90 सेक्शन का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर रियर में आपको देखने को मिलेगा। इसके इंजन के बारे में बात करें तो ये एक एयर कूल 4 स्ट्रोक SOAC2 वर्ब E20 ऑयल कंपेटेबल इंजन है, 125cc वाला, जहाँ से आपको 6500 RPM में 8.2 PS का पावर मिलेगा और 5000 RPM पे 10.3 न्यूट्रो मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। ये जो की है एक मल्टीफंक्शन की है, इस की से ही आप सीट ओपन कर सकते हो, और ओपन करते ही जो चीज़ आपके नज़र में आएगा वो है ये E20 कंपैटिबल का बैजिंग है। तो ये जो इसका जो फ्यूल टैंक है ये 5.2 लीटर का है, ये जो स्टोरेज है ये मार्केट लीडिंग नहीं है, पर यहाँ से आपको 21 लीटर का स्टोरेज यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे एक फुल हेलमेट नहीं तो क्या एक हाफ हेलमेट आराम से आ जाएगा, उसके बाद भी ये बहुत चौड़ा है, बहुत सामान इसमें आप डाल सकते हो। और ये जो सीट है ये सीट भी बहुत बड़ा है राइडर पिलियन दोनों के लिए, सफिशियंट रूम आपको देखने को मिलेगा, पैडिंग भी सही है, उसके साथ नीटली स्टिच्ड है ये सीट, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है। फ्रंट पे और देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे फैसिनो का बैजिंग है। उसके बाद ये जो मटेरियल है कार्बन फाइबर फिनिश जैसा एक मटेरियल दिया है। स्विच गियर का अगर बात करें तो यहाँ पे एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, ये लाइट ऑन ऑफ का स्विच है, इग्निशन का स्विच है, अपर बीम लोअर बीम का स्विच है, टर्निंग इंडिकेटर का स्विच है, हॉर्न का स्विच है। तो इसके बाद और एक जो मेन चेंज है उसके बारे में बात किया जाए, ओके वाह, एक छोटा है पर बहुत ही फंक्शनल एक डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ से आपको ढेर सारे चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से आपको बेसिकली ऑटो देखने को मिलेगा, ट्रिप देखने को मिलेगा, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो मेनू को। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटो है, यहाँ पे ट्रिप है, यहाँ पे इको मोड में क्या कितना चला है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है वो आपको बोलेगा ये, उसके बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देगा आपको, उसके बाद टाइम देगा आपको। तो स्पीडो ओडो मिला के बहुत सारा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, फ्यूल गेज मिला के बहुत सारा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रीड आउट करने को मिलेगा। पर
यामा ने इसमें एक नया चीज़ डाला है जो है, अगर पहले आप एक स्कूटर खरीदते थे तब आपको ब्लूटूथ कंसोल अलग से लगाना पड़ता था, पर अभी यामा ने इसमें ब्लूटूथ कंसोल जो है वो फिटेड दे रहा है। मतलब इस डिस्प्ले से आप यूआई कनेक्ट ऐप के द्वारा कॉल, एसएमएस, अलर्ट जैसे बहुत सारा आधुनिक फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ इसके चारों ओर पियानो ब्लैक का फिनिश है, जिसके लिए इसका जो लुक से बहुत ही प्रीमियम आ रहा है। तो इसके बाद एक बार स्कूटर का जो साउंड है उसको एक बार सुन लेते हैं। ये साइलेंस स्टार्ट स्टॉप है, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये था एक बेसिक सा छोटा सा इंफॉर्मेटिव बैकग्राउंड ऑन दिस ब्यूटीफुल कैसिनो स्कूटर। इसका फुल राइड व्यू बहुत जल्दी नजर में आने वाला है। अगर आप लोगों को ये कॉन्टेंट हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा वो भी बयां कर देना। बहुत जल्द दूसरी कॉन्टेंट के साथ फिर सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।